पवन एक्सप्रेस का इंजन फेल, 28 मिनटों तक जंक्शन पर रुकी रही, अतिरिक्त इंजन जोड़कर ट्रेन को किया गया रवाना। समस्तीपुर से खुलने के बाद ही आ गई थी तकनीकी खराबी। विज्ञापन 49 मिनट की देरी से पहुंची जंक्शन पर, पैसेंजर हुए परेशान। निर्धारित समय से 77 मिनट विलंब से शाम 6:32 बजे खुली मुजफ्फरपुर वरीय संवाददाता जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली पवन एक्सप्रेस 17062 का इंजन रविवार को फेल हो गया। इस कारण ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 28 मिनटों तक रुकी रही। आखिरकार अतिरिक्त इंजन लगाकर शाम 6:32 बजे ट्रेन को रवाना किया गया। इससे पहले ट्रेन के धीमी रफ्तार से चलने और फिर जंक्शन पर अधिक देर तक हुए ठहराव से यात्री परेशान रहे। समस्तीपुर से ट्रेन के खुलने के बाद ही इंजन में गड़बड़ी आ गई थी, ट्रेन पिकअप यानी रफ्तार नहीं पकड़ रही थी। तब लोको पायलट ने इसकी जानकारी कंट्रोल को दी, साथ ही अपनी सूझबूझ से ट्रेन को मुजफ्फरपुर तक लाया। निर्धारित समय शाम 5:05 बजे के बदले पवन एक्सप्रेस 49 मिनटों की देरी से शाम 6:04 बजे पहुंची। यहां पहले से ही टेक्निकल टीम प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। ट्रेन के पहुंचने के साथ ही तकनीकी जांच पड़ताल के बाद अतिरिक्त इंजन जोड़ने का निर्णय लिया गया। आखिरकार नियत समय से 77 मिनटों की देरी से ट्रेन यहां से रवाना हुई। ऑपरेटिंग विभाग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि खराब हुआ इंजन इटारसी का है, इटारसी में खराब इंजन को ट्रेन से अलग कर दिया जाएगा।